21 दिसंबर को हुए बिहार बंद में शांतिपूर्ण बंद समर्थकों पर हुए हमले के बाद पीड़ितों की जांच के हालचाल और उनके नुकसान के जांच के लिए भाकपा माले की टीम ने औरंगाबाद और फुलवारी शरीफ में दौरा किया था। आज भाकपा माले के द्वारा प्रेस वार्ता में जांच के बाद की स्थिति पर जानकारी दी गई है। वहीं बंद समर्थकों में हमले के विरोध में 2 दिवसीय 4 और 5 जनवरी को राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने की बात कही। 21 दिसंबर को हारून नगर के एक नौजवान 18 साल के नौजवान मोहम्मद निहाल के बेटे अमीर हंजला को गायब कर दिया गया, उनका अपहरण कर दिया गया और उनकी लाश जो है वो मैंने आपको 31 तारीख को सुबह में मिली फुलवारी शरीफ ब्लॉक के पीछे झाड़ी में। 21 दिसंबर को 12:30 बजे करीब 12:15 बजे औरंगाबाद के रमेश चौक पर प्रदर्शनकारी लोगों ने जिन लोगों ने बंद कराया था और वो लोग आकर के अपना कार्यक्रम समाप्त कर दिए और जब प्रदर्शनकारी लौट रहे थे तो पांडे पुस्तकालय के पास उन पर हफ्तियां कसी गई, अश्लील जो है कमेंट किए गए और लोगों ने विरोध किया तो उन पर कहा जाए कि पथराव किया गया। पुलिस आकर के मैंने जो है मामले को संभाली। ये लोग जो नौजवान थे मुस्लिम नौजवान वो अपने घर जा रहे थे, इसी बीच पुलिस ने उनमें से 17 लोगों को पकड़ करके पूरी तरह से पीटना शुरू किया और लोगों ने प्रतिवाद किया तो मोहल्लों में घुस करके मैंने दौड़ दौड़ करके हम लोगों ने तो देखा कि DM जो वहाँ के हैं वो पत्थर चला रहे हैं, वो डंडा चला रहे हैं, SP चला रहे हैं और गाड़ियों को मोहल्ले में घुस करके कुरैशी मोहल्ले में करीब 9 गाड़ियों को, 4 चक्का गाड़ियों को, 15 मोटरसाइकिल को इन लोगों ने तहस नहस किया। महिलाओं के सीने पर रिवाल्वर सटाकर कहा कि आज़ादी चाहिए दे देते हैं। इसके बाद एक है वहाँ ये वहाँ जाकर के खाना का डेट उलट दिया अरफा कुरैशी के यहाँ और निहाल कुरैशी के यहाँ से 3 महिलाओं सहित 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया। कुल जो है 39 लोग गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, जिनमें से 12 जो हैं वो अंडर एज हैं, नाबालिग हैं। तो ये कहा जाए कि योगी की जो सरकार है जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में कर रही है मैंने भाजपा की नीतियों के विरोध में जो लोग खड़े हो रहे हैं उनके साथ ठीक उसी तरह से हमारे नीतीश कुमार भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो है भाजपा और संघ परिवार की गोद में बैठ करके वो दमन अभियान यहाँ शुरू कर दिए हैं। एकदम उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं की भाषा में जवाब दी जा रही है। तो इन हमलों के खिलाफ में पुलिसिया जुल्म के खिलाफ में भाकपा माले और इंसाफ मंच की एक जांच टीम गई थी वहाँ और यहाँ हारून नगर में भी हम लोग जा कर के मिले मोहम्मद निहाल से। इस मैंने पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ में भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से 4-5 जनवरी को पूरे बिहार में प्रतिवाद की घोषणा की है, प्रतिवाद मार्च होगा और हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ के जो DM SP हैं उन पर औरंगाबाद के उन पर तत्काल कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन गिरफ्तार लोगों को नीतीश जी की सरकार अविलंब रिहा करे और जो उनका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करे और यहाँ मोहम्मद निहाल को जो है 20 लाख का मुआवजा क्या। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल सेल्फ बिलीव बेस्ट बिलीव, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो यूनिसेक्स सलोन मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।